जी इसको नोट करिए, द पेरेंट है टैंक। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या करना है आपको, द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इज 7.7 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.3 दे रखा है, तो 1.3 को 4/3 मान लेते हैं, 4/3 मान लिया। और रियल डेप्थ, व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ, तो रियल डेप्थ मेरे को निकालनी है। और अपेरेंट डेप्थ कितनी दे रखी है, 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस इसको इधर ले आइए, तो रियल डेप्थ फायदा इसको 4/3 नहीं, फायदा इसको 1.3 लिखने में ही है, ठीक है ना। 4/3 लिखने से अगर वो डिवाइड हो रहा होता तब तो लिखते हैं, तो डिवाइड हो नहीं रहा है तो उनको मल्टीप्लाई के लिए 1.3 × 7.7 ये कितना हो जाएगा, 13/7 91, 13/7 91 और 9 कितना हो गया 100, तो 10.01 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अगला देखिएगा,
3×10^8 meter per second full stop by how much would an ink dot पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले देखिएगा द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2×10^8 मीटर पर सेकंड एंड दैट हियर इज 3×10^8 मीटर पर सेकंड। तो इसमें देखिएगा, इसमें ना क्या दे रखा है कि बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक। आपने ऑफिसेज में देखा होगा कि जैसे चेयर और टेबल रखी रहती है, तो जो टेबल है टेबल के ऊपर आपने देखा होगा बड़ा सा ग्लास रखा रहता है, ठीक है ना। जनरली टीचर वगैरह के यहाँ कहीं आपने देखा होगा स्टाफ रूम वगैरह, तो वहाँ पर देखिए वो जो ग्लास होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, और उसके नीचे कुछ ज़रूरी कागज़ रखे रहते हैं। और उससे होता क्या है कि वो ना थोड़ा सा जो वो नीचे लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ना रेज नज़र आता है, थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, और उसको पढ़ने में आसानी रहती है। ऐसा ही नहीं है कि वो कोई फैशन के लिए या शो के लिए कुछ लिखा कांच का वो रखा हुआ है। और उससे होता क्या, रिफ्रैक्शन की वजह से वो ग्लास का पूरा स्लैब होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी उभरी हुई नज़र आती है, ठीक है। तो पहले बहुत हुआ करता था ऑफिसेज में वो, अब धीरे धीरे वो हट गया है क्योंकि अब कंप्यूटर लैपटॉप वो सब जगह हर जगह रखे ही रहते हैं। तो अब अगर किसी को कोई भी चीज़ देखनी होती है तो फटाफट फोल्डर खोल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2×10^8 एंड दैट इन एयर इज दिस बाय हाउ मच वुड इट नॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक। तो बाई हाउ मच, तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये ग्लास प्लेट है, तो इस ग्लास प्लेट के नीचे कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए कैलेंडर ही रखा हुआ है और हमको कैलेंडर की डेट्स देखनी है, तो वो डेट्स थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देगी, तो कितना उभरेगी वो ऊपर, तो कितना उभरेगी, यानी कि आपको करना क्या है, ये वाली जो डेप्थ है, ये वाली डेप्थ क्या है आपकी रियल डेप्थ, और ये वाली कि भाई वो कितना उभरा हुआ दिखाई देगा। तो जिस पोजीशन पर वो दिखाई देगा ये वाली कौन सी डेप्थ है, ये है अपेरेंट डेप्थ। तो रियल में से अगर अपेरेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो उभरा कितना है, कितना ऊपर रेज हुआ है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो वो सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाना है, दोनों का डिफरेंस दिखाना है, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट बतानी है, समझ गए। नॉर्मल शिफ्ट क्या होती थी, ये रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, तो वो आपको बतानी है। तो अब जरा देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass mu is equal to speed of light। तो refractive index of glass, refractive index of glass का मतलब क्या है कि इसको ना ऐसे लिखेंगे a g, समझ गए, a g मतलब light ray कहाँ से आ रही है, air से आ रही है, glass के अंदर जा रही है, तो a mu g लिखेंगे तो क्या होगा, speed of light in air upon speed of light in glass। तो speed of light in air जिसको आप सिंपली म्यू ही बोल दीजिए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3×10^8 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2×10^8 की वैल्यू आ गई 1.5, सही है।
ठीक है। अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, अगर भाई ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक, तो ग्लास प्लेट की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है तो रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक। अच्छा जी, तो रियल डेप्थ हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर। अब जरा अपने नोट्स में वो देख लीजिए नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, d is equal to t into 1 minus 1 upon mu, ठीक है। तो height up to which an ink dot, height up to which an ink dot appears to be raised, years to be raised is equal to क्या कहना है, normal shift, normal shift, normal shift को हम क्या बोलेंगे कि real depth minus apparent depth। real depth तो पता है, apparent depth नहीं पता, तो apparent depth निकाल लेंगे कैसे, इस formula से निकाल लो, ठीक है ना। apparent depth कैसे निकले, real depth upon म्यू, तो यहाँ पर रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ को आप क्या बोल देते हैं उसकी थिकनेस, तो टी, टी माइनस टी अपॉन म्यू इज इक्वल टू डी, टी को हम ले लिया और माइनस वन अपॉन म्यू, बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना भाई। टी क्या है, टी है हमारी रियल डेप्थ, ठीक है, यानी कि थिकनेस ऑफ द ग्लास है। और अपेरेंट डेप्थ कैसे निकलेगा, अपेरेंट डेप्थ को इधर ले आओ और रियल डेप्थ के नीचे म्यू आ जाएगा, रियल डेप्थ क्या है टी, तो टी अपॉन म्यू, तो अपेरेंट डेप्थ की जगह टी अपॉन म्यू निकल गया, टी कॉमन ले लिया और माइनस वन अपॉन म्यू, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, टी है 6 और 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, पॉइंट गया जीरो आ गया, एंड आ गया, तो 6 इंटू 1 माइनस 3 minus 2 3 minus 2 3 minus 2 1 2 cm, इतना ऊपर वो एक डॉट रेज हो जाएगा, 2 cm ऊपर रेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जरा आ जाइए अगले टॉपिक पर, ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने टोटल आपको पेज नंबर 30 तक नोट्स भेजे हैं, ठीक है, आगे के नोट्स भी अभी दे रहा हूँ जरा। इसमें देख लीजिए पेज नंबर 30 पर आए, अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम है, वो डायग्राम समझने से पहले पहले इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। वो पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 30 पर आए, तो पेज नंबर 31 पर पहुंच जाइए, एक मिनट का टाइम दो बस।
चलिए जी, तो पेज नंबर 31 पर है। अब जरा देखिएगा, इफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। अब ना इसमें उल्टा है, आपको ये देखना है कि जैसे रेयरर से डेंसर के तो न जाने कितने सारे एग्जांपल्स देखे हैं, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट रे जा रही है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, इसमें ना हमको तीन बार एंगल्स देखने होंगे अलग अलग इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल जो है वो एक बार देखेंगे 90 डिग्री से कम वाला, एक बार देखेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला, और एक बार देखेंगे 90 डिग्री से ज़्यादा वाला। तो एक ऐसा एंगल जिस पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीडियम की बाउंड्री के ही पैरेलल हो जाए, मीडियम की बाउंड्री के ही पैरेलल हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सुना है? ठीक है जी, उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम then at the interface, interface मतलब boundary, the light is partly reflected back into the denser medium and partly refracted into the rarer medium. This reflection is called internal reflection. तो internal reflection क्या बोला जाता है, उसको internal reflection क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी light वापस same medium में वापस आ जाती है टकरा कर। ठीक है, जैसे अभी night का time है, तो मतलब ये अंधेरा होने वाला है, तो इस time अगर हम किसी ग्लास के आर पार देखेंगे तो हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन हल्की सी हमको अपनी इमेज भी उसमें नज़र आएगी। तो हल्की सी अगर इमेज नज़र आ रही है तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और लाइट रे आर पार भी जा रही है, तभी हम उसके ट्रांसपेरेंटली उसके आर पार हम देख पा रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अंडर सर्टेन कंडीशंस द होल ऑफ द इंसिडेंट लाइट कैन बी मेड टू बी रिफ्लेक्टेड बैक into the denser medium. This interesting phenomena is called total internal reflection. तो कुछ conditions ऐसी बनाई जाती है कि सारी की सारी light ray बाहर जा ही ना पाए, सारी की सारी light ray medium के अंदर ही आ जाए reflect होकर, और जबकि polish नहीं कर रखा हमने। reflection कब होगा, जैसे मान लीजिए glass है, तो glass को अपने पीछे से polish कर रखा है, तो light ray जाएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी, तो तब तो होगा reflection। और अगर glass ऐसी बिल्कुल साफ है, clean है, तो फिर तो light ray आर पार निकल जाएगी, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई जाए कि लाइट रे ग्लास के भी आर पार ना जा पाए और वापस ही आ जाए, तो वो हम लाइट रे किस एंगल पर इंसिडेंट करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी करते हैं उसको डिस्कस। इस फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर कंडीशन यही होती है कि लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, रेयरर से डेंसर में नहीं हो सकता टी आई आर। ठीक है, टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। The angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle of the denser medium and is denoted by IC. The phenomena in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to a rarer medium is totally reflected back into the denser medium and is called total internal reflection. Now, वापस पेज नंबर 30 पर आ जाओ, ये सारी चीज समझा दो, ये मिटा दो इधर से। ये खत्म हो गया और वेव शुरू हो गया, शुरू हो गया। ये तो बाउंड्री बना ली हमने, और इधर नीचे है टेंशन मीडियम, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टेंशन मीडियम में। टेंशन मीडियम में ऑब्जेक्ट है, और टेंशन मीडियम को हमने मीडियम टू बोल दिया, और रेयरर मीडियम को मीडियम बंद हो गया।
वो इज़ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम ना अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल के साथ में वो रे कितना एंगल बना रही है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो एंगल बनाई गई है। हमने क्या करा कि एक बार यहाँ पर इस तरह से एक लाइट रे ये वाली हमने ले ली, यहाँ पर नॉर्मल बनाई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। और फिर क्या है कि हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये स्ट्रेट लाइन चली जाती, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्ट होगी, मतलब इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमने क्या करा, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, इंसिडेंस एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी को हम बोल देते हैं आईसी, आईसी यानी कि क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्यों बोला जाता है अभी समझेंगे आप। उसके बाद हमने क्या करा, एक लाइट रे और ले ली, मतलब और एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो हम ये कहेंगे कि भाई अब रिफ्रैक्शन नाम की तो चीज़ रही नहीं, क्योंकि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तभी हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन तो रहा नहीं, हो क्या रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो टकरा कर वापस सेम मीडियम में लाइट रे वापस आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्यों कहा जाता है, जैसे आपने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस निकालते हैं मैथ्स में, तो क्रिटिकल पॉइंट्स में हम ये कहते हैं कि इससे इधर इंक्रीजिंग है तो इसके इधर डिक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है तो इधर इंक्रीजिंग है, क्रिटिकल पॉइंट जो है वहाँ पर वैल्यू जीरो आएगी। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल वही है कि इससे इधर है तो रिफ्रैक्शन है और इसके इधर है तो रिफ्लेक्शन है। जरा सा भी हमारा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो टोटली लाइट जो है अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो वो जो पेज नंबर 31 पर इतनी सारी जो थ्योरी दे रखी है उसमें सिर्फ TIR की डेफिनेशन याद रखनी है और बाकी पूरी कहानी याद नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए फिर इसमें फ्रॉम स्नेल्स लॉ, मैं पेज नंबर 31 पर नीचे की तरफ हूँ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, तो जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई ना, तो अब जो ये मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, तो इसमें हमें ये ना निकाल कर अब हमें ये निकालना होगा आर। अब इसको आर बोल देंगे कि नॉर्मल के साथ एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब बाउंस बैक होकर लाइट बैक, लाइट जो है वो सेम मीडियम में वापस आती है, तब हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन से लॉ लगेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ लगेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, और यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर नहीं लगेगा। आगे चलते हैं जरा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू 2 म्यू 1
और डू यू वन क्यों है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर है, यहाँ पर सेकंड मीडियम में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पर है, फर्स्ट मीडियम में, तो मैं सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए मैंने टू म्यू वन बोल दिया उसको, साइन आई अपॉन साइन। और टू म्यू वन को क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल वन म्यू टू का, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन म्यू टू, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वन अपॉन वन म्यू टू। अच्छा तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। फिर मैं ये कहूँगा कि अच्छा अब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो हम ये कहेंगे व्हेन आई इज इक्वल टू आई सी देन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। जब आई की वैल्यू आई सी के इक्वल है तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री, रिफ्लेक्शन ही बोलेंगे अभी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में साइन आई की जगह आ जाएगा साइन आई सी, और साइन आर की जगह आ जाएगा साइन 90 डिग्री, इज इक्वल टू वन अपॉन वन बी टू, वन अपॉन वन बी टू, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास साइन आई सी जी। पेज नंबर 32 पर आओ, तो हम ये कहेंगे कि इफ द रेयरर मीडियम इज एयर देन म्यू वन इज इक्वल टू वन, अगर जो रेयरर मीडियम है उसको हमने एयर बोल दिया तो हमारा जो म्यू वन है वो वन हो जाएगा और म्यू टू इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। Rarer medium is air, then air का refractive index 1 होता है, तो mu1 is equal to 1 और mu2 is equal to, उसको हमने mu मान लिया, say, ऐसा हमने मान लिया, तो 1 mu2 को क्या बोलते क्या है, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, ठीक है, और लिखा कैसे जाता है, mu2 upon mu1 is equal to is equal to mu2 upon mu1 is equal to 1 upon sin ic। अच्छा mu2 कितना है, mu और mu1 है 1 upon sin ic, तो mu is equal to क्या हो गया 1 upon sin ic, refractive index mu is equal to 1 upon sin ic, ठीक है। अच्छा जी अब इसके बाद examples दे रखे हैं, तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, एक शीशा लगा हुआ है बड़ा सा और हमने अंधेरा कर रखा है और हमने टॉर्च ले लिया, और टॉर्च लेकर हमने क्या करा कि एक एंगल पर उसको टॉर्च को सीधा ना रखकर, मान लीजिए ये टॉर्च है तो इस टॉर्च में से यहाँ से लाइट निकल रही है, इसको सीधा ना रखकर मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे थोड़ा टिल्ट कर दिया ताकि वो उस पर मिरर पर एक एंगल पर टकराए, तो जब वो टकराएगी और अंधेरा है रूम में, तो जब टॉर्च वहाँ से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपको अंधेरे कमरे में दिखाई देगा, उसकी बीम इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती हुई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइट जब भी किसी सरफेस को टकराती है और टकराकर वापस आती है तो हमें रोशनी डबल नज़र आती है। एक रूम में अगर मान लीजिए हमने सिर्फ टॉर्च ऑन कर दी और उस रूम में क्या है कि जितना भी मीडियम है वो सारा का सारा एब्जॉर्बिंग मीडियम है, जैसे वॉल्स हैं,
अगर मान लीजिए यही रूम है ना, जितनी लाइट यहाँ पर जली हुई है, अगर मान लीजिए यहीं पर जो दीवार है इनको मैं काला पेंट कर दूँ, ठीक है, तो इसी रूम में आपको लगने लगेगा कि भाई रोशनी कुछ कम है, समझ में नहीं आ रहा समझ के मतलब रोशनी हमें कम लग रही है। तो है क्या कि जो मीडियम्स होते हैं, जो सरफेसेस होती हैं, सरफेसेस भी लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर। तो अब हमने क्या करा, इसके एग्जांपल देखेंगे TIR के। तो TIR में हम ये देखेंगे कि पहली चीज़ है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो पहला एग्जांपल है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो अब जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा था ना कि बंद रूप में हमने क्या करा कि एक शीशा लगा दिया और उस शीशे में हमने एक टॉर्च लाइट ऑन करी, तो टॉर्च लाइट टकराएगी, तो टॉर्च लाइट की यहाँ से और वहाँ तक जाने की रोशनी, टकराने के बाद वापस आने की भी रोशनी, तो रोशनी डबल हो गई, ठीक है, तो इंटेंसिटी डबल। इसी वजह से आप ये देखेंगे जनरली जब आप कपड़े के शोरूम में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आपने पैंट शर्ट पहन के देखिए, अरे बात बहुत चमचमाती हुई, बहुत बढ़िया लग रही है ना, कोई गर्मी है, कुछ डल सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब ट्राई करते हैं कपड़े वगैरह पहनते हैं तो कह देते हैं भैया ज़रा ये लाइट बंद कर दो, है ना, मैं ज़रा रियल रोशनी में देखना चाहता हूँ कि ये कपड़े मेरे ऊपर लग कैसे रहे, ठीक है। तो वहाँ पर तरह तरह की लाइटें लगी रहती हैं, ठीक है, और लाइटों के साथ साथ क्या होता है, शीशे भी होते हैं। तो वो शीशे जो हैं वो दो पर्पज़ सॉल्व करते हैं, एक तो लाइट बढ़ा देते हैं, दूसरा शोरूम इतना सा है वो लगने लगता है इतना बड़ा, ठीक है ना, कि यहाँ से और यहाँ तक वो पूरा काउंटर है, तो आगे शीशा लगा हुआ है तो लगता है काउंटर आगे तक फैला हुआ है, ठीक है। तो एक तो शोरूम थोड़ा बड़ा लगता है और बड़ा लगने के साथ साथ रोशनी जो है वो बढ़ जाती है। तो ख़ास तौर पर कपड़ा जो होता है, कपड़े के शोरूम्स में आप ये चीज़ देखेंगे, ठीक है, किसी और जगह पर इतनी शीशे वीशे ये सब कुछ नहीं लगा। अच्छा जी, तो जरा देखते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड के जो एजेस हैं वो कुछ इस तरीके से काटे जाते हैं कि वो, ये मैं मतलब आर्टिफिशियल डायमंड्स की बात कर रहा हूँ, नेचुरल तो कैसा भी है वो चमकता ही चमकता है। द ब्रिलियंसी, ब्रिलियंसी मतलब चमक, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी लार्ज, इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल, समझ गए। तो रिलेशन क्या देखा आपने क्रिटिकल एंगल के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कि जो अच्छा जैसे ये साइन IC है, तो साइन की क्या वैल्यू होती है कि जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ता जाएगा, तो इंसिडेंस एंगल हमारा जो है तो पहले तो इतना था, मतलब नॉर्मल के साथ कितना बढ़ा रहा, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, इंसिडेंस एंगल को मैं 90 डिग्री तो नहीं बना सकता ना, कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यही बाउंड्री पर रखा हुआ है, आप बताओगे अब क्या, तो बाउंड्री पर तो नहीं रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, तो इंसिडेंस एंगल हमारा 90 डिग्री को क्रॉस नहीं कर सकता, समझ गए। तो 0 डिग्री होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर क्या था इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, ठीक है, और बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर बीच में क्रिटिकल एंगल आ गया, मान लो क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री था या 45 डिग्री था, तो उसके बाद वाले जितने भी एंगल हैं उन पर सब पर TIR होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़े जितने भी एंगल्स हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगी। तो जरा बताओ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती ही है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, फिर 1/√2, फिर 3/2 और फिर फाइनल 1, तो वो धीरे धीरे बढ़ती ही है और 1 तक जाती है, 1 तक जबकि जाएगी नहीं, मतलब 90 डिग्री होने वाला नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम ये कहेंगे कि अगर क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है तो भाई साइन की वैल्यू भी बढ़ ही रही है, समझ गए, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं, हम 0 से 90 डिग्री जा रहे हैं बस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, एंगल बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, ठीक है। और जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हाँ अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो गया, ठीक है। तो वही देखिएगा ज़रा, वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी लार्ज, इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल, कितना होगा 24.4 डिग्री, ठीक है, तो छोटा ही एंगल बनेगा, जो क्रिटिकल एंगल है वो छोटा बनेगा 24.4 डिग्री। द फेसेस ऑफ डायमंड आर सो कट दैट द लाइट एंटरिंग द क्रिस्टल सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस रिपीटेडली एंड हेंस गेट्स कलेक्टेड इनसाइड बट एंड हेंस गेट कलेक्टेड इनसाइड बट इट कम्स आउट थ्रू ओनली अ फ्यू फेसेस, हेंस द डायमंड स्पार्कल्स व्हेन सीन इन द डायरेक्शन ऑफ इमर्जिंग लाइट, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल को समझना क्यों ज़रूरी है यहाँ पर, कि भाई 24.4 डिग्री है, हल्का सा भी घुमाओगे ना, हल्का सा भी घुमाओगे तो भी चमकेगा, और ज़रा सा घुमाओगे तो भी चमकेगा, है ना, नहीं भी घुमाओगे तो थोड़ी बहुत नज़र इधर उधर हो ही जाती है। अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो क्या ऐसे ही देख रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा बहुत नज़र इधर उधर होती है, तो थोड़ा बहुत भी नज़र इधर उधर होगी तो तब भी क्या होगा, तब भी स्पार्कलिंग आएगी, चमकेगा वो, ठीक है। तो चाहे डायमंड हिले चाहे हमारी नज़र हिले,
वो थोड़ा बहुत वो स्पार्कलिंग उसकी आपको दिखाई दी जाएगी, और आप उसको ऐसे ऐसे करके देख रहे हो जैसे वो जौहरी देखता है हीरे को, ठीक है, तो वो चमके गई चमके, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्रिटिकल एंगल जितना छोटा होगा उतना ही कोई चीज़ चमकती हुई ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टी आई आर का मिराज, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना यहाँ दिल्ली NCR में हम मिराज नहीं देख पाते, ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, तो खुली सड़क नहीं दिखाई देगी, खुली सड़क दिखाई देगी तो दिख जाएगा। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर या यमुना एक्सप्रेस वे पर तो पानी ही पानी है, दूर दूर तक दौड़ते ही रहते हैं, पानी मिल जाए पानी मिल जाए, पानी मिलता ही नहीं, ठीक है। नोटिस करा है कभी कि नहीं? हाँ, तो वही है। अच्छा, जब हम छोटे थे तब जरूर दिखाई देता था, ये बस से जाते थे स्कूल तो कोई कोई बस होती थी, कोई साइकिल चल रही है बाजू में, कोई रिक्शा चल रही है, बस बस जा रही है, दूर तक सड़क भी दिखाई देती है। इट इज़ अ ऑप्टिकल इल्यूजन, नज़रों का धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व इन डेजर्ट्स और ओवर हॉट एक्सटेंडेड सर्विसेस। तो डेजर्ट्स में तो गए नहीं होंगे आप, डेजर्ट में कौन जाता है घूमते हैं, परेशान नहीं होंगे कभी। थर्ड डेजर्ट तू नहीं कर रहा, चलो तो वहाँ पर तो होगा ना घूमने घूमने का हिसाब यहाँ पर। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व इन डेजर्ट्स और ओवर हॉट एक्सटेंडेड सर्फेसिस लाइक अ कोल्ड टार्ड रोड। कोल्ड टार्ड रोड ये जिसको तारपोल बोल देते हैं, कोल्ड टार्ड रोड, तो वो बिल्कुल स्मूथ बनी रहती है वो सर्फेस। ऐसे ही जो रेत होता है डेजर्ट में अगर देखें तो वो भी बिल्कुल स्मूथ आपको दिखाई देगा। ड्यू टू विच अ ट्रेवलर सीज अ शिमरिंग पॉन्ड ऑफ वाटर सम डिस्टेंस अहेड ऑफ हिम एंड इन विच द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज एटसेट्रा अपीयर इन्वर्टेड, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करा एटमॉस्फेयर की लेयर्स बना दी। ये आई जो है ये यहाँ से है, ये किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। और अब आई जो है वो पेड़ से ऊपर कैसे, वो पेड़ से ऊपर क्योंकि हम बहुत दूर हैं, क्योंकि हम बहुत दूर हैं, और जब हम बहुत दूर हैं तो हम किसी बस में या गाड़ी में जिसमें भी बैठे हुए हैं तो हम बहुत दूर हैं, तो हमको पेड़ पौधा जो है वो छोटा सा नज़र आ रहा है, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो पेड़ के ऊपर से जा रही है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। और जैसे 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 नज़दीक आते जाते हैं तो आंखें खुल जाती हैं, भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जब हम दूर हैं तो दूर से क्या हो रहा है कि
कि इधर यहाँ पर जो एयर है कोल्ड एयर है, और कोल्ड एयर क्या होती है, डेंसर। ठंडी अगर एयर है तो वो डेंस एयर हो जाती है, इसीलिए ठंड में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो डेंस एयर होती है, तो वो डेंस एयर क्या करती है कि वो डेंस एयर पॉल्यूटेंट्स को ऊपर इवेपोरेट होने नहीं देती, ठीक है ना। तो ठंडक की वजह से वो पॉल्यूटेंट्स जो है ना वो नीचे ही घूमते रहते हैं आपस। अच्छा, और हॉट एयर जो है वो नीचे की तरफ है, हॉट एयर वो होगी रेयरर, ठीक। तो थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। ये नहीं है कि भाई अगर पेड़ जो है पेड़ के नीचे के पास में हमने देखा या पेड़ का जो शूट है वहाँ तक हमने देखा वो बड़ी हॉट एयर है, ऊपर जाकर एकदम ठंडा के मजा आ रहा है ऊपर, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर रहेगा कि यहाँ पर रेयर है वो ऊपर डेंसर। अच्छा, तो होता क्या है कि जब ये डेंसर मीडियम से यहाँ से कोई लाइट रे, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, इस जगह पर हमने एक नॉर्मल बना दिया। ये डेंसर से जब रेयरर की तरफ एंटर करेगी तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जब लाइट रे एंटर करती है तो क्या होती है, तो उसको एसी की वेव की जैसे की बना। अब जब ये ऐसे गया तो रिफ्लेक्ट होकर आग में गया, तो ये लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होकर आग में गई तो हम ये जानते हैं कि हमारी तो नज़र जो है वो सीधी जाती है। अब कहाँ तक जाएगी, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि मैं पेड़ की चोटी को ही देखता रहूँगा, सड़क पर भी नज़र जाएगी। जब सड़क पर नज़र जाएगी तो कैसे जाएगी, ये लाइट रे तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आ रही है, और हमने ये कहा कि इसको ज़रा पीछे एक्सटेंड करो, ठीक है। तो जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो पेड़ है इसकी टॉप दिखाई दिया, तो टॉप बनेगा बिल्कुल नीचे, थोड़ा नीचे वाला हिस्सा वो भी तो देखूंगा, सिर्फ ऊपर के पत्ते थोड़ी देखूंगा, ये भी दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, घूमने में ऐसा, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यस, तो ये है इसकी कहानी। अब सुन लीजिए जरा, वही चीज़ लिखी हुई है। On a hot summer day, the surface of the earth becomes very hot. The layers of air near the earth are more heated than the higher ones. Hence, the density and refractive index of air layers increase as we move higher. तो धीरे 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 जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो थोड़ी ठंडक मिलेगी, और जैसे जैसे ज़मीन की तरफ आते हैं थोड़ा गर्म ज़्यादा। As the rays of light from a distant object like a tree travel towards the earth through layers of decreasing refractive index, तो डेंसर से रेयर की तरफ जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी घटेगा। डिक्रीजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दे बेंड मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा दूर की तरफ बेंड करते हैं। द स्टेज इज रीच्ड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड द रेज आर टोटली रिफ्लेक्टेड, रेज जो है टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद दीज रेज रीच द ऑब्जर्वर्स आई एंड ही सीज एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इफ फॉर्म्ड इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर। तो जब ये ऑब्जर्वर की आई में पहुंचती है यही रेज ऑफ लाइट, तो फिर इन्वर्टेड नजर आती है, ठीक है ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस वजह से हमको क्या लगता है कि दूर से अगर देखते हैं तो उस वजह से हमको ये लगता है कि भाई जो ज़मीन का सरफेस है, ज़मीन के सरफेस पर हमें पानी पानी नज़र आता है और उस पानी में ही नजर आता है, ठीक है। ये है बिना का कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए जी, इतना करिए, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। फिर टोटली रिफ्लेक्टिव प्रिज्म भी है, बस इसके बाद फिर आपकी डेरिवेशन बड़ी वाली स्टार्ट होगी इसकी।